सो गाइस अभी जा रहे हैं हम मंगल में बाजार में नहीं जा रहे हैं, मतलब कचोरी लेकर आएंगे जो भी सीन है गाइस अभी। और अपने मूंछ के बाल जो बढ़ रहे हैं ये बाल भी कटवाने, मतलब नहा तो लिया मैं, बट देखेंगे क्या सीन रहने वाला है वहाँ का। तो पहले चलते हैं यहाँ से गाइस सीधा दिलसाद की दुकान पर, देखेंगे कचोरी बिक्री होंगी दुकान पर या नहीं। भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं करा। तो पहले मतलब हल्की सी यहाँ से मूंछ ही बनवा लेंगे, उसके बाद वो कचौरी पैक करवा लेंगे। तो चलते हैं गाइस सीधा, वहाँ ही मिलेंगे फिर आपसे। तो गाइस ले आ चुके हैं अपनी कचौरी, भाई सद्दाम आगे चल रहे हैं, गुस्से में शरमा रहे हैं, मतलब पूरे लोग में नहीं आना चाहते, पता नहीं क्यों। वजह बताओ भी लोग मान आने की शरम आती। तो कचौरी ले आए हैं अपनी, मूंछ सब कटवाए हैं माशाल्लाह, अभी तो सही लग रही है। बट मुझे आज काम था, स्कूल में जाना था, पर मैंने सर को कॉल मिला, सर ने कॉल ही नहीं उठाई। अभी भाई ने सर हमारे मुँह को देख रहे हैं, सब्जी वब्जी खरीद रहे हैं आगे अपनी गली में। गली में भी चार आदमी खड़े होंगे जरूर, वे जरूर मुँह को देखेंगे मेरे। भाई अब चलते हैं और वहाँ के लड़के को लाते हैं अपनी बुलबुल से जाके, क्योंकि बिल्लो रहने लग रही है अभी मेरी अंदर। और लुक एट द बुलबुल गाइस, इसको निकालते हैं जल्दी से, तेज हम तेज वो गया है बिल्कुल अड्डे पे, उसने बहुत देर पहले बोली थी। बट चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर आपसे बाहर। तो गाइस अभी बारिश पड़ रही है और अभी जा रहे हैं बुलेट पे बैठ के सीधे बारिश में, तो चलते हैं थोड़ी सी तेज, क्योंकि बारिश भी थोड़ी हल्की सी पड़ रही है, मतलब पड़ते तेज जी देख रहे हो पानी भर रहा। फाइनली गाइस निकाल रहे हैं अपनी बिल्लो रानी को और जा रहे हैं सीधा सीन की दुकान पर, क्योंकि मैंने जो पिछले ब्लॉग डाला था, मतलब लास्ट का ब्लॉग जो था उसमें मैंने बताई थी, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कट रही थी बोला, पता नहीं क्या सीन था वो। तो उसी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया गाइस, लुकड़ता बिल्लो रानी। तो चलते हैं आराम आराम, सामने जा रही है अपनी बुलबुल, तो बस आराम आराम चलते हैं। कट कट की मतलब आवाज़ इंजन वाली है वो तो अब बंद है, मतलब हल्की है, पर वो जो कट देसी बोला था उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है गाइस, मतलब चलाने में तो नहीं बट फिर भी फिसलती होती है थोड़ी बहुत। पर जो भी सीन है गाइस निकलते हैं सीधा सीन की दुकान पर और देखते हैं, अभी इधर जा रहा होगी तो मतलब किलाड़ वाड़ में दिक्कत है, हो सकता है तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए। गाइस आ चुके हैं कुछ इस तरह के जगह पे, मतलब लोग देख रहे होगा जब फटक के नीचे जा रहे हैं, इस चीज़ से मुझे डर लगता है गाइस। बस गाइस अभी आ चुके थे डॉक्टर साहब की दुकान पर और मेरे हाथ में मतलब फटक फटक लगा पड़ा था। अभी बिल्लोरानी जो कह रहा बिल्लोरानी गाइस तो कह रहे थे डेंटल खांसी, यह हाथी ऐसे ये लगा बुलबुल गाइस अभी निकलने वाले यहाँ से, अम्मी और समीर अंदर है अभी, तो बिल्लो रानी में चाबी लगाते हैं, मतलब अभी तो एक घंटे में तो मुझे लगा फाटक खुला इसका। तो जो अभी सीन है गाइस निकलते हैं यहाँ से आराम आराम, बारिश भी आने वाली है, बारिश का मौसम बहुत तकड़ा हो रहा है देख रहे हो पीछे। तो निकलते हैं यहाँ से बस आराम से गाइस, फिर आपसे शायद हो सकता है तो इंशाल्लाह घर जाकर मिलेंगे, या फिर नहीं घर तो नहीं, हसीन का थोड़ा सा काम है पहले तो देखेंगे, मतलब अभी जो बारिश नहीं पड़ी तो कर देंगे, बाकी अगर अल्लाह ना करे बारिश ना पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश तो वैसा आ रही है, मतलब मेरे पैर पे भी गिरी है, तो देखते हैं गाइस निकलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस अभी पहुँच चुके हैं मेडिकल पे और मेडिकल पे चले रही है अम्मी दवा। हमारे भाई हाजिम आप सबको कुछ कहना चाहते हैं, तो भाई हाजिम क्या कहोगे? हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करो। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब तक जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मतलब सब्सक्राइब कर लो हैं, हाँ पक्का। तो गाइस जल्दी से 1000 कर दो, फिर निकलते हैं यहाँ से अभी, फिर आपसे बातें करते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं दुकान पर, दुकान ये रही हसीन का, कुछ सामान था मतलब इमरजेंसी का सामान लेना था, मतलब मेडिकल पर मैंने भेज दिया अम्मी को सीधा घर, और गाइस मैं आ चुका हूँ सीधा भैया की दुकान पर। अभी यहाँ से सारा हसीन वसीन का सामान लेना जितना भी, मतलब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट जो भी सीना गाइस भैया से सामान वामान लेते हैं और अपनी दुरानी के चैनल मतलब थोड़ी सी लीजिए। मैं तुम्हें चैन दिखाता हूँ, चैन देख रहे हो मतलब पूरी लटकी पड़ी है, देख रहे हो ये लटक रही, मतलब देख रहे हो थोड़ी सी मतलब इसमें भी लग रही है, पर जो भी सीना गाइस मतलब देखने वाले यहाँ से भैया से सामान वामान लेते हैं, और जो भी सीन होगा फिर कैसे टांगना मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक मैं इस बाइक पर अपनी वाली का सामान देगा ना बिल्कुल भी, तो भैया दे रहे हैं अभी सामान दुकान में गए हैं भैया, तो निकलते हैं गाइस यहाँ से सामान वामान लेकर फिर आपसे बातें करते हैं। गाइस अभी पहुँच चुके हैं घर और मतलब मैं पूरा भीग गया था ऊपर से नीचे तक, मतलब जहाँ मैंने ये क्लिप मतलब कंटिन्यू करी थी वहीं, जब मैं वहाँ से आ गया पुलिया पर आती मैं सारा भीग गया, मतलब इतनी तेज बारिश मुँह भी मेरा बड़बड़ बारिश सी लग रही है, जैसे ओले लग रही है। जो भी सीना गाइस बुल लुक एट द बुलबुल, लुक एट द बुलबुल, जो कहते हैं बिल्लो रानी
मेरे मुंह से निकलते हैं लुक एट द बुलबुल लुक एट द बिलोरानी। और जो इसी ने गाइस अभी लोग ज़्यादा रख नहीं करते क्योंकि बारिश भी दोबारा हो जा रही है और मैं भीगना नहीं चाहता। अभी अपना सारा सेटअप तैयार हो चुका, नहा धो के एकदम तैयार हो गए, नहा तो बारिश मिली है क्योंकि इतनी तेज बारिश पड़ रही। तो व्लॉग को करते हैं पर एंड, व्लॉग से अच्छा लगे लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे डिसलाइक कोई बात नहीं, मिलते हैं एक और मस्त प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सो मच जयरो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।